गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला। सो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोगों को पता है कि यूट्यूब पे बहुत ज़्यादा ट्रेंड चल रहा है, टाइटल से समझ ही गए होंगे। तो यस गाइस, मैं भी जा रही हूँ अपने इलाके में सबसे ज़्यादा मोस्ट रिव्यूड बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट के पास और कराने वाली हूँ अपना मेकअप। सो यस गाइस, आप देखते हैं वो कैसा मेकअप करती हैं और मैं आपको वहीं पर जाके मिलती हूँ। आप प्लीज़ वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। सो गाइस, मैं पार्लर पहुंच चुकी हूँ और दी मेरे फेस को आते ही क्लीन कर रही है अच्छे से। सो मैं ऐसे काजल वगैरह कुछ लगा के नहीं गई थी, फिर भी वो मेरे फेस पे क्लीन कर चुकी हैं और उसके बाद वो यहाँ पे प्राइमर यूज़ कर रही हैं जो कि लैक्मे का है। और दीदी बहुत ही सॉफ्टली अप्लाई कर रही थी, कुछ हार्ड्स नहीं लग रहा था मेरे को, मैं एकदम रिलैक्स होकर बैठी हुई थी और बहुत प्यार से ये हर काम कर रही थी जो कि मुझे बहुत अच्छा लगा पर्सनली। इसके बाद दीदी ने फाउंडेशन स्टिक को लेकर मेरे फेस पे अच्छे से उसको अप्लाई किया है। इसके बाद दी अच्छे से फाउंडेशन को ब्लेंड कर रही हैं, बहुत ही हल्के हाथ से ब्लेंड कर रही हैं जो कि मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत हार्श नहीं है, बहुत रिलैक्स होकर मैं बैठी हुई हूँ और वो अच्छे से ब्लेंड कर रही हैं। सो गाइस, इसके बाद दी मेरी क्रीज़ के ऊपर थोड़ा सा हाइलाइटर लगा रही हैं ताकि जो मेरी क्रीज़ है वो थोड़ा उभर के आए और आईज़ मेकअप और भी अच्छा लगे। सो आईज़ मेकअप स्टार्ट हो गया है और इन्होंने रेड कलर लिया है और रेड कलर को अच्छे से मेरी क्रीज़ एरिया में लगा रही हैं और उसको अच्छे से साथ ही साथ ब्लेंड भी कर रही हैं। सो अब दी दूसरी आईज़ पर भी यही प्रोसेस कर रही है, उन्होंने रेड कलर लिया है और उसको भी क्रीज़ बना रही है मेरी, मतलब रेड कलर से मेरी क्रीज़ बना रही हैं और साथ ही साथ ब्लेंड भी कर रही हैं। सो दीदी ने यहाँ पर पिक करा है पिंक कलर और वो पूरे क्रीज़ के नीचे जो हमारा यहाँ पे बॉटम एरिया आ रहा है उस पर उन्होंने पिंक कलर लगाया है। इसके बाद दी अपर एंड वाटर लाइन पर भी लिटिल बिट हल्का पिंक कलर मेरे आइज़ के नीचे अप्लाई कर रही हैं जो कि बहुत खूबसूरत लगने वाला है। सो इसके बाद इन्होंने ब्लैक कलर लिया है और इससे ये मेरी आइस ब्रेक एक बोल रहे ना ट्राइंगल शेप दे रही हैं इस ब्लैक कलर से। और अगेन ये बहुत अच्छे से ब्लेंड कर रही हैं हर एक आई शेडो को, जो भी ये ले रही हैं उस एक आई शेडो को, मतलब आई शेडो के कलर को उसको अच्छे से ब्लेंड कर रही हैं क्योंकि आईज़ मेकअप में मोस्ट जो होता है वो यही होता है कि हमारे जो आई शेडो होते हैं, कलर होता है शेडो के, उसको अच्छे से ब्लेंड करें तभी आईज़ मेकअप बहुत अच्छा निखर के आता है। तो अब दीदी ने मेरी हाफ आईज़ पे बहुत ही हल्के हाथों के साथ कंसीलर लगाया है क्योंकि जब आप कोई ग्लिटर यूज़ करते हैं तो सबसे पहले आपको कंसीलर लगाना होता है, तो बेसिकली दीदी भी कंसीलर ही लगा रही हैं और ये बहुत अच्छे से लगा रही हैं, कोई जल्दबाजी नहीं है, बहुत ही अच्छे से लगा रही हैं। मुझे एक एक स्टेप इनका बहुत अच्छा लगा, कोई जल्दबाजी नहीं थी। इसके बाद दी एक ब्लेंडिंग ब्रश लेके अच्छे से मेरे आई शेडो को ब्लेंड कर रही हैं और मैं उनसे धीरे धीरे बाल भी कर रही हूँ। सो अब इन्होंने यहाँ पर गोल्डन कलर का ग्लिटर लगाया है और ये बिल्कुल भी मतलब बोलते हैं ना हाइजीनिक, बहुत ही हाइजीनिक तरीके से वर्क करते हैं इनके पार्लर में जितना भी स्टाफ है। इन्होंने पहले वो ग्लिटर अपने हैंड पे लिया, उसके बाद उन्होंने एक ब्रश की हेल्प से मेरी आईज़ पे लगाया जो कि मुझे बहुत अच्छा प्रोसेस लगा। इसके बाद आईज़ के नीचे जितना भी फॉल आउट हुआ था उसको वो क्लीन कर रही हैं अच्छी तरह से। सो इसके बाद दीदी मेरी आईब्रोज़ को फिल कर रही हैं और ये बिल्कुल नेचुरल लग रही हैं, इस टाइम पे आप भी देख सकते हैं। सो यहाँ पर ये मेरी अपर एंड वाटर लाइन में बहुत अच्छे तरीके से पिंक कलर लगा रही हैं और अगेन इन्होंने मेरी आईब्रोज़ के नीचे हाइलाइटर लगाया हुआ है, आई मीन लगाया हुआ नहीं लगा रही हैं।
सो गाइस, यहाँ पर दीदी ने मेरी आईज़ पे फेक लैशेस लगाई हैं, उसके बाद वो मस्कारा यूज़ कर रही हैं मेरी फेक एंड रियल लैशेस को आपस में मिलाने के लिए। सो इसके बाद भी यहाँ पर लाइनर लगा रही हैं। सो इसके बाद दीदी ने काजल लगाया है। सो दी मेरे लिप्स को लाइन कर रही हैं अभी। सो लिप लाइनर के बाद दीदी मेरे लिप्स पे लगा रही हैं लिपस्टिक। सो दीदी ने यहाँ पर मेरे लिप्स पे अच्छे से लिक्विड लिपस्टिक लगा दी है, उसके बाद दीदी मुझे ज्वेलरी पहना रही हैं। और यस, अब दी मेरा हेयर स्टाइल बना रही हैं और हेयर स्टाइल बहुत अच्छा लग रहा है गाइस। और अब मैं आपको अपना फुल फेस मेकअप दिखाऊं। गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरा मोहब्बत वाला अखियों में ऐसा डाला, गजरे ने ले ली मेरी जान। सो हे गाइस, मैं आपको यहाँ पर एक डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मैंने ये मेकअप आपके लिए कराया है। मैं कहीं नहीं जा रही हूँ, ना मैं कोई इवेंट पे जा रही हूँ, ना ही कहीं वेडिंग पे। सिर्फ आपके एंटरटेनमेंट के लिए मैंने ये वीडियो शूट करा है। इतनी ज़्यादा तेज़ गर्मी में, इतनी धूप में मैं आपके लिए शूट कराने गई थी, तो बस मैं आपसे बदले में ये चाहती हूँ कि आप मुझे कम से कम 100 लाइक तो दे ही दें यार, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। मैं 100 में ही खुश हूँ, उससे ऊपर तो भगवान जानता है। और हाँ, पार्लर से रिलेटेड सारी बातें आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और आप कमेंट करके भी पूछ सकते हो। और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और इस वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना। बहुत गर्मी में शूट करा है, प्लीज़ आप सबके लिए ही करा है यार मैंने। सो मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय।